कोरोना महामारी के खिलाफ शनिवार को रोहतक में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। नागरिक अस्पताल रोहतक और मदीना गांव के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। टीकाकरण के 30 मिनट तक उन्हें देखरेख में रखा गया। उनके शरीर में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं दिखने को मिला। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। डॉक्टर जेपी अरोड़ा, आई एम रोहतक सिटी ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ और बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं बच्चों को इम्यूनाइजेशन भी करता हूँ, बच्चों को भी वैक्सीनेशन करता हूँ। आज जब कोरोना वैक्सीन आई तो सबसे पहले हमने निश्चय किया कि हम इस वैक्सीन को खुद लगवाएंगे। उसके बाद जनता के मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं कि इस वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, उसको मिटाने के लिए हम सब हेल्थ वर्कर और डॉक्टर सब आगे आए हैं। मुझे आशा है इस वैक्सीन से कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो मुझे हुआ नहीं। मुझे कम से कम आधा पौना घंटा हो चुका है वैक्सीन लगवाए हुए। तो मेरी आम जनता से ये निवेदन है कि आप सब बढ़ चढ़ कर प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में सहयोग करें। धन्यवाद। क्या नाम आपका? डॉक्टर संगीता अरोड़ा। कुछ बताएं आज आपने? सिविल हॉस्पिटल रोहतक। मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही कोविड वैक्सीन लगवाई और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और इसका इफेक्ट 6 मंथ तक रहेगा। और ये काफी भ्रम था, लोगों को काफी भ्रम था इसका टीके का, और फिर भी लोग निकल के आए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लगवाना हेल्थ वर्कर्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत एक्सपोज होते हैं सैंपलिंग में, फिर क्लिनिक में, कैजुअल्टी सिटीज में, और अभी भी ये हो रहा है कोरोना में। तो इसका मतलब ये है कि इसको लगवा ही लेना चाहिए, 6 मंथ तक डॉक्टर्स में इम्यूनिटी रहेगी। ठीक है। आज सर वैक्सीन लगी थी पहले? आज बड़ी खुशी का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कोविड वैक्सीनेशंस की इनॉग्रेशंस हो चुकी है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो वैक्सीनेशन साइट हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल रोहतक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मदीना, इनके अंदर हमारा वैक्सीनेशंस साइट हमने आयोजन किया गया है। जैसे कि रोहतक सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसमें से 6 बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन लग चुकी है। और जैसे हम जो अरेंजमेंट किया गया है, पहले हमारा जो इंट्री एरिया होगा, इंट्री एरिया के अंदर जो भी बेनिफिशरीज होंगे उसका हमने डाटा आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसको हम वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया के अंदर हमने ये जो बेनिफिशरीज हैं स्लॉट के अंदर यानी कि लगाई जाएंगी। जैसे पहले 10 स्लॉट के अंदर यहाँ पर वेटिंग एरिया जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसके बाद उसका जो डाटा है वो वैलिडेट किया जाएगा। डाटा वैलिडेट होने के बाद उसकी वैक्सीनेशन की जाएगी और जो भी बेनिफिशरीज होंगे उसको हमने एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, जो कि ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तो पहले फेज़ के अंदर हमारे रोहतक के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास हमारे हेल्थ वर्कर हैं जिनको की वैक्सीनेशन की जाएगी। दूसरे फेज़ के अंदर अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे और जो उसके तीसरे फेज़ के अंदर जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और जिनको कोमोर्बिडिटी के साथ हैं, ऐसे फेज़ के अंदर हम इसको वैक्सीनेशन को ख़त्म करेंगे। जी सर। वैक्सीन जो हमारे पास आई है कोविशील्ड वैक्सीन आई है, बड़ी सेफ वैक्सीन है। और जैसे कि इसमें लोगों से मैं अपील करता हूं कि कोई किसी तरह का भयभीत होने की कोई चिंता नहीं है और बड़ी सेफ है। माइल्ड से इसके अंदर जो है कोई भी, जैसे थोड़े से फीवर हो सकता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जो साइट जहां पर लगती है वहां पर पेन हो सकता है, अदरवाइज मेजर कोई इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन इसके अंदर रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है।